हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 तारीख है, 10वां महीना, और इस वक्त बज रहे हैं 5 शाम के। हमारा वीकली एनालिसिस सेशन होगा। इस हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो शायद डाल सकता हूँ या दो, क्योंकि तबीयत ज़रा नासाज थी और बिजी भी था थोड़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, पूरा डेली का हमारा एनालिसिस सेशन को। अच्छा, पहले ज़रा हम रिव्यू कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया था और एक डेली एनालिसिस किया था, उसमें क्या हुआ। तो यूरो यूएसडी में कोई खास मूवमेंट नहीं आई है, ठीक है। कुछ डेवलपमेंट है वो हम देख लेते हैं बाद में। यूरो जेपीवाई हमारा बिल्कुल सही गया। ये हमारा वीकली का एरिया है, ये वाला जो हमने मार्क किया हुआ, ठीक है। और ये मार्केट ने जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही किया है। इसका भी देखते हैं, यूरो ऑड हमारा अच्छा गया, ठीक है। ये हमने मार्क किया था, मार्केट नीचे आई एंड अगेन ऊपर चली, क्योंकि मैंने बीच में एनालाइज किया नहीं था, तो इसलिए इसकी मैं आपको मूवमेंट नहीं बता सका ये बात, ठीक है। बहरहाल ये हमारा जो डिमांड एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त चला, ठीक है। इसको अब हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, गोल्ड हमारा सबसे ज़बरदस्त, ये मैंने पर्सनली भी ली थी ट्रेड, और ये मैंने आपको वीकली एनालिसिस में मार्क किया था हमने, और ये पर्सनली मैंने ट्रेड खुद भी ली थी और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी ज़रा देखते हैं हम। और यूएसडी भी हमारे अच्छा ट्रेड किया है ये वाला, ठीक है। 3 दफ़ा यहाँ पे टैपिंग हुई है इस हमारे, ये होता है देखें, जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं और आपको एक अच्छा जोन मिल गया तो ये होता है। ये अभी भी चल सकता है, देखें पूरा रूम अवेलेबल है। मैंने आपको कई बार ये सिखाया भी है कोर्स में, और ये आपको मैंने बताया भी है कि हमेशा आप बिग टाइम फ्रेम का जो है वो पूरा इम्बेलेंस होता है, वो पूरा जोन, ठीक है। तो ये अभी भी चल सकता है, इसको अभी भी मैं रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो नीचे जब ये आएगा ये पूरा रूम अवेलेबल, यहाँ कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिलेगी, हम यहाँ पर अगेन बाय या सेल कर देंगे, ठीक है। इसका देखते हैं क्या बनता है। जीबीवी यूएसडी मार्केट ने इसमें भी कुछ नहीं किया है, देखते हैं इसका भी। जीबीपी जेपीवाई, अच्छा ये बहुत पहले मैंने मार्क किया था, ये हमारा इसमें तो हमारा एसएल लगा था इसमें, ठीक है। तो ये मैंने दोबारा से एनालाइज किया ही नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारी लास्ट वीक की आई थिंक ट्रेड है, इसमें हमारा एसएल रेट हुआ था। तो ये यूएसडी कैड, इसमें ये हमारी सप्लाई चली थी लास्ट वीक, और ये एरिया हमारे पास अभी भी अवेलेबल। तो ठीक है, अपना जो एनालिसिस है उसको शुरू करते हैं। ये मैं नहीं छेड़ रहा बिल्कुल भी, ये डिमांड अवेलेबल है, और इसके हमने शॉर्ट करने के लिए अच्छे रिटर्न के लिए हमने यहाँ तक का इसमें एक लाइन लगाई है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, अच्छा हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा और रिस्क भी इसमें कम होगा। सप्लाई हमने ऑलरेडी यहाँ मार्क की हुई है, अभी यहाँ पे क्या चल रहा है वो ज़रा देखते हैं। अगर मैं H4 में देखूँ, डेली में देखते, तो मार्केट क्या बना रही है। अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर इसको जरा देखें, तो ये पैटर्न ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये आपको सबको पता, सिमेट्रिक ट्रायंगल इसको कहते हैं, कि मार्केट ना हाई ब्रेक कर रही होती है और ना लो ब्रेक कर रही होती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब भी मार्केट, ये एक परसेप्शन है, जब भी मार्केट इस तरीके का पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनाती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये यकीनन ऊपर ही बने हुए हैं ये, लेकिन ये फेल हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन में लोग इस तरीके से इस पैटर्न को देखते हैं। जो इस पैटर्न की डेफिनेशन है वो ये है, हम तो अगर इसको एज अ लिक्विडिटी देखते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि ये सिस्टमेटिक सिमेट्रिक ट्राइंगल आई थिंक इसको कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये जिस ट्रेंड के अंदर ये बनता है ये उसके खिलाफ निकलता है, यानी ये डाउन ट्रेंड में बना है अभी, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस आता है, ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड में बनता तो नीचे आने के चांसेस आता था। और इसको अगर हम बैक ऑफ में ले लें, बैक ऑफ ट्रेडिंग भी देख लेते हैं ज़रा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ होगा, ठीक है।
बेक ऑफ में इसका रूल ये है कि जो पांच जिन्होंने बेक ऑफ थ्योरी पढ़ी हुई है उनको मालूम होगा, और ट्रांजेक्शन के अंदर जो लोग बेक ऑफ को यूज़ करते हैं उन्हें इस बात का इल्म होगा कि जब भी हम पैटर्न के अंदर बेक ऑफ थ्योरी लगाते हैं तो जो पांचवी वेव है वो ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, या अगर वो ब्रेक नहीं करती वो सस्टेन करती है तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर यहाँ पर रुक जाता है तो मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी। हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है, हम इसको देख रहे हैं दूसरे नजरिए से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जरा, हम इसको देख रहे हैं अपने नजरिए से एज अ लिक्विडिटी। तो मैं असल में ये कंफर्म करना चाह रहा था कि अगर हम ये एरिया मार्क कर रहे हैं तो यहाँ क्या रहेगा। यहाँ पे वैसे भी हमारे हिसाब के मुताबिक कोई एरिया नहीं है, ठीक है। तो और कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पे हमें मार्क नहीं करना। अब हमारे पास दोनों तरफ लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी है ना ये बाई साइड होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब मार्केट जो है बहुत टाइम से नीचे आ रही है, तो ये एक पैटर्न है मार्केट का। अगर आप देखें ये देख साइड वेव चल रही है मार्केट, मार्केट ने एकदम ऊपर की तरफ ब्रेक किया देन नीचे आ गए, लोगों को लगा यार आपको ऊपर जाएगी जाएगी लेकिन अगेन नीचे आ गए। वो इसे अगेन जो सेंटिमेंट के अगेंस्ट ट्रेड होती हैं ये उस तरीके की सिचुएशन यहाँ बनी। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन हो सकती है, बहुत सारे चांसेस के, और इसी का हमने फायदा उठाना है इस सप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई कंफर्म हुई है वो यही वाली है जो हमने लास्ट टाइम मार्क की थी। तो मैं इसको बिल्कुल एज इट इज नहीं छोड़ रहा, एज इट इज छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। मैं असल में कंफर्म कर रहा था कि अगर हम यहाँ बीच के अंदर जो है ये वाला एरिया मार्क कर लें जो हमारा H1 का है, लेकिन आपने देख लिया H1 का एरिया सपोर्टेड नहीं है, किसी भी लिहाज से सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से आके चल जाए लेकिन ये हमारे रूल के ऊपर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम इसके साथ ही जाएंगे, हमें बेशक लॉन्ग थोड़ा वेट करना पड़े, हम इसके साथ जाएंगे। नीचे हमारे पास डिमांड अवेलेबल है और नीचे की साइड भी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो आपने ये जो दो एरियाज हैं इनके बीच में आपने ध्यान रखना। अगर मैं M13 की बात करूं तो यहां पर हमारे पास एक एरिया मौजूद है, ठीक है। इस एरिया को मैं मार्क कर देता हूं, इसको स्क्वीज आउट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी कैच करके यहाँ आती है तो ये एरिया थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि नीचे ही मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है नीचे, तो यहाँ पे ट्रेड करना जो है वो थोड़ा सा रिस्की होगा, ठीक है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो सिर्फ इनगल्फिंग है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। इम्बैलेंस बहुत हो रहा है, स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर इस वाले एरिया का स्ट्रक्चर है, ये इसका नहीं है स्ट्रक्चर। आपको पता है मैंने बताया था आपको कि एक ही मूव से जो टूटता है उसको हम स्ट्रक्चर मानते हैं जोन का, अदरवाइज अगर यहाँ से टूटा है यहाँ से टूटा है तो ये अब यहाँ पे 20 के अंदर ये सेलिंग कैंडल है, इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने एनालाइज करना है चीज़ों को। ये एरिया ज़रूर है लेकिन सपोर्टेड नहीं है बिल्कुल भी, मैं भी यहाँ से चल जाए मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकली हमारे पास एक डिमांड एरिया यही है, ठीक है। तो हम यूरो JPY पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने मार्केट को यहाँ पे देखना है, और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनाएगी कि कौन सी सिचुएशन है, मार्केट एक हाई बनाएगी एक लो बनाएगी और उसको दोनों को ब्रेक कर देगी। यहाँ पे क्या हुआ याद है ना मैंने क्या कहा था आपसे, इस यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने हाई बनाया, ये वाला हाई है क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये हाई है, मार्केट ने क्या करा लो बनाया। आप इसको भी लो ले सकते हैं और इसको भी लो ले सकते हैं। मार्केट ने क्या बताया था मैंने आपको, इस लो को भी इस हाई को भी ब्रेक करेगी और इस लो को भी ब्रेक करेगी। मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक किया इस लो को भी ब्रेक किया, ठीक है।
ये बिल्कुल यही सिचुएशन बैठ गई जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि मार्केट में ऐसा होने लगा है। यहाँ पर ये फायदा होता है जब आप बड़े टाइम फ्रेम के जोन को निकालते हैं, ठीक है। ये आपने हर बार नहीं करना क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है यहाँ तक आने में मार्केट को, डे ट्रेडिंग ही देखनी है आपने। लेकिन जहाँ जहाँ महीने में एक दफा या हफ्ते में महीने में दो दफा आपने इस तरीके के बड़े बड़े जोन मार्क करने एरिया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो हमने हमारी स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। जोन विद इन जोन अगेन जो हमने हमारा काम किया गोल के अंदर, और यहाँ पे भी हमें उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा कि मार्केट यहाँ अच्छा यहाँ की कहीं से भी जा सकती है। ये हमारा स्वैपिंग एरिया हो गया पूरा का पूरा, जो इसमें अगर मैं H4 में जाऊँ तो इसका इम्बेलेंस ख़त्म हो रहा है इस जगह, ठीक है। मैं इसकी कलिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं इम्बेलेंस के लिए ये कलर, ठीक है। ये इम्बेलेंस का कलर हो गया, इम्बेलेंस इसका यहाँ पे ख़त्म है। और ये हमने सिर्फ अपने रेस टू रिवॉर्ड के लिए बनाया, तो ये हमारा एरिया रहेगा जोन विद इन जोन ट्रेड के लिए यूरो जेपी होएगा। और हम टारगेट करेंगे इस लो को एटलीस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो डिमांड जोन है वो वैसा का वैसे रहेगा कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड में थी कुछ पास किया नहीं, ठीक है। तो यूरो जेपी वाई यहाँ डन करते हैं। अच्छा जी, यूरो ऑड हमारा अच्छा चला था, इसमें क्या मार्केट ने किया है नया डेली में अगर मैं जाऊं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं ये जो हमारे पास एरिया है ड्रॉप वेल ड्रॉप ही यहाँ से डाउन हुआ और इस स्ट्रक्चर से डाउन हुआ, ठीक है, जस्टिफाइड हो गया, जोन ब्रेक हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास H4 का ही एरिया ले लें इसको, पूरे को एरिया लें, ठीक है। हमारे पास स्ट्रक्चर भी ब्रेक है, हमारे पास यहाँ FTR, ठीक है। ये एरिया रह जाएगा, ये क्या बनता है 1.556, ठीक है। यहाँ हम सेलिंग के लिए देखेंगे इसको, और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका टारगेट रहेगा। बेशक मार्केट यहाँ से होकर आ जाए लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। रिटर्न हो गया जी गोल्ड के अंदर, डेली में जाता हूँ, इसको रिमूव कर दें जरा। ये हमारा अच्छी ट्रेड रही है, एक जबरदस्त ट्रेड रही है, और इसको हम इसको ट्रेड किस तरह करना है आपने ये जरा देखा। डेली का जो एरिया है वो हमारे पास ही है जो मार्केट, लेकिन इसके अंदर एक एरिया और है कि जहाँ से मार्केट की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो सेलिंग का ही है। और ये जो स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है ये कोई बाइंग स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट ने मजीद लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेट कर दी है, और थोड़ा सा मार्केट जो है वो मजीद इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगा, मतलब यहाँ तक तो आएगा,
पूरे 1600 तक तो आए, ठीक है, कि हमारे पास एक एरिया है यहाँ पर बीच के अंदर बिल्कुल ठीक 1600 पर। इसके अंदर हमारे पास एक एरिया है H4 का, और वो है ये वाला, ठीक है। हमारे पास इसमें अवेलेबल है NPL, ठीक है, मैक्स पेन लेवल अवेलेबल है यहाँ पर, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैप कर, और ये वाला हमारे पास इक्वलाइजिंग मॉड्यूल, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉसिबल सेलिंग एरिया रहेगा वो ये रहेगा 1693, ठीक है, 1693 रहेगा हमारे पास, बाइंग में यहाँ पर कहीं दोबारा नहीं दिख रहा, इसके नीचे से ही बाइंग बनेगी अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आती है, जिसे मैंने आपको कहा 1600 जो है एरिया बिल्कुल पूरा 1600 ये वाला है मार्केट यहाँ तक आती, वीकली के अंदर यहाँ पर जोन है, हम इसको यहाँ मारता, ये एरिया हमारा रहेगा 1692, ठीक है, और GBP USD देख लेते हैं, GBP USD में कोई खास मूवमेंट पिछले लास्ट वीक से ही नहीं हुई है, सेम वही पैटर्न चल रहा है, और कोई मार्केट ने कोई ऐसा खास एरिया मार्केट जनरेट भी नहीं किया, तो बिला वजह खुद को फोर्स करके जोन बनाने से बेहतर है कि वो एज इट इज रहने दिया जाए, जैसा हमने मार्क किया हुआ है, और वेट करें बस यहाँ का इस डिमांड का 1.089 और 1.16, ठीक, आप लोग ढूंढ सकते हैं फोर्स करके और शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा खुद को यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमने एक ही ट्रेड लिए, मैंने पर्सनली एक ही ट्रेड लिए और उसके अंदर कितना ज़बरदस्त मुनाफा मैंने कमाया, आपके साथ शेयर भी किया था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने स्टोरी, काफ़ी होता है इतना, एक ट्रेड लो भले हफ्ते में ले लो, फोर्स करके शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको फॉल्स सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, और बिल्कुल मैं तो खैर पर्सनली फोर्स नहीं करूँगा, आप लोग यहाँ रूल के मुताबिक अगर जाना चाहें 15 तक या 5 मिनट तक तो आप लोग जा सकते हैं, मैं इसको एज इट इज रहने दूँगा। अच्छा जी, JBP JPY बिल्कुल यूरो JPY की तरह सब यही सीन है, मार्केट ने ये एरिया डीप किया है, इसको मार्क कर देते हैं क्योंकि इसके साथ JPY अपना GBP USD है, इसीलिए जो GBP USD का होगा अगर ऊपर गया तो ये ही इसको ब्रेक कर सकता है, तो आप इसको यूरो JPY से कंपेयर ना कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर कंफर्मेशन मिलती है इस जगह पर तो आपने सेल आउट करना है 1.68.43, ठीक है, ये एरिया रहेगा, मैं आपको कह रहा हूँ यूरो JPY की नज़र से इसको मत देखिएगा कि इसके अंदर JPY है तो ये भी इसकी तरह चलेगा, इसके साथ GBP है तो इसकी जो मेन करेंसी है अगर ऊपर गई तो ये भी इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाए, ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, हमने एरियाज मार्क किए हैं मार्केट का, इसका वेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल मैं स्टॉक के एनालिसिस डालूंगा, जो फॉरेन स्टॉक हैं NASDAQ के और जितने भी ये इंडेक्स वगैरह हैं एक दो, उसकी मुझे कल काफ़ी रिक्वेस्ट आएंगी कि वो उनका भी करें, तो मैंने सोचा कि इतवार वाले दिन वो करेंगे, ठीक है, और कुछ क्रिप्टो के एनालिसिस करेंगे, तो कल की वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह, आपसे कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।